नहीं है। अगर किसी कारण से एक बार चश्मा लग जाए तो उतर नहीं सकता, बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं, ये उतर सकता है। चश्मा लगने का जो प्रमुख कारण है वो आंखों की ठीक से देखभाल नहीं करना, पोषक तत्वों की कमी या आनुवंशिक हो सकते हैं। इनमें से अगर आनुवंशिक कारण है तो आनुवंशिक कारण को छोड़कर अन्य कारणों से लगा चश्मा सही देखभाल और खान पान का ध्यान रखने के बाद देसी नुस्खे अपनाकर उतारा जा सकता है। आज हम आपको वही घरेलू देसी नुस्खे बताने वाले हैं जो आपकी आंखों की समस्या के लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। पहला, पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएं। सुबह के समय नंगे पैर हरी घास पर चलें व नियमित रूप से अलोम विलोम प्राणायाम करें, आंखों की कमजोरी दूर हो जाएगी। फिर एक चने के दाने जितने फिटकरी को सेक कर, इतना छोटा सा लीजिएगा, उसको फिटकरी को सेक कर 100 ग्राम गुलाब जल में डालकर रखिए। रोजाना रात को सोते समय इस गुलाब जल की 4-5 बूंदे आंखों में डालें। साथ ही पैरों के तलों पर घी की मालिश करें, इससे चश्मे का जो नंबर है वो आपका कम हो जाएगा। फिर आंवले के पानी से आंख धोने से या गुलाब जल डालने से आंखें स्वस्थ रहती है। फिर बादाम की गिरी, बड़ी सौंफ व मिश्री, तीनों को समान मात्रा में मिला लें। रोज इस मिश्रण को एक चम्मच मात्रा में एक गिलास दूध के साथ रात को सोते समय लें। फिर बेलपत्र का 20 से 50 मिलीलीटर रस पीने से और 3 से 4 बूंद आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग में काफी आराम मिलता है। आंखों के हर प्रकार के रोग जैसे पानी गिरना, आंख आना, आंखों की दुर्बलता यदि होने पर रात को 8 बादाम भिगोकर सुबह पीसकर मिलाकर आप पी जाइए। फिर केला, गन्ना खाना आंखों के लिए लाभकारी है। गन्ने का रस पीजिए, एक नींबू एक गिलास में पानी में पीते रहने से जीवन भर नेत्र ज्योति बनी रहती है। हल्दी की गांठ को तुअर की दाल में उबालकर छाया में सुखाकर पानी में घिसकर सूर्यास्त से पूर्व दिन में 2 बार आंख में काजल की तरह लगाने से आंखों की लालिमा दूर हो जाती है और आंखें जो है वो स्वस्थ रहती हैं। सुबह के समय उठकर बिना कुल्ला किए मुंह का जो लार है जिसे सलाविया बोलते हैं अपनी आंखों में काजल की तरह लगाए, लगातार 6 महीने करते रहने से आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। फिर कनपट्टी पर गाय के घी के हल्के हाथ से रोजाना कुछ देर तक मसाज करने पर आंखों की रोशनी बढ़ती है। रात्रि में सोते समय अरंडी का तेल या शहद आंखों में डालने से आंखों की सफेदी बढ़ती है। फिर नींबू और गुलाब जल, नींबू और गुलाब जल की मात्रा समान मात्रा मिलाकर एक मिश्रण बनाइए। फिर एक एक घंटे के अंतर से आंखों में डालने से आंखों को बड़ी ठंडक मिलेगी, बड़ी आराम मिलेगा आपको। और फिर कमाल देखिए, देखिए किस तरह आपकी आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है और किस तरह आपका चश्मा उतर जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।